हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब शुरू। दोस्तों, यूपी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों ने जो है बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था सीएनईटी, वो लोग जो है उन लोगों के काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 16/6/2023 से आप जो है इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है 21/6/2023 से आपको जो है 16 से 21 के बीच में रजिस्ट्रेशन करना है। चॉइस के एंड जो है आपका 22/6/2023 है और इसके बाद जो है सीट आपकी 25/6/2023 को जो है अलॉट हो जाएगी। इसके बाद जो है एक्सेप्टेंस ऑफ सीट अलोकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस आपका 26/6/2023 से लेके 5/7/2023 के बीच में होगा। इसके बाद राउंड टू की काउंसलिंग होगी जो कि 10/7/2023 से स्टार्ट हो जाएगी। राउंड टू की जो ऑनलाइन काउंसलिंग है इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है 14/7/2023 होगी और इसमें जो है चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट 15/7/2023 है। अनाउंसमेंट ऑफ सीट अलोकेशन ये आपका 17/7/2023 होगा। साथ ही आपका जो एडमिशन प्रोसेस 18 जुलाई से लेके 24 जुलाई के बीच में होगा। तो इस तरह से होगा। आप इसके बाद आपका जो है लास्ट में मॉपअप राउंड होगा जो कि 26 जुलाई से स्टार्ट होगा। 27 जुलाई को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा और 28 जुलाई से ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 31 जुलाई को जो है काउंसलिंग इसकी बंद हो जाएगी। एंड चॉइस फिलिंग जो है आपका 1/8/2023 से 1 अगस्त तक। इसके अलावा सीट जो है आपकी 3/8/2023 को मिलेगी और इसके बाद आपका एडमिशन 4 अगस्त से लेके 7 अगस्त के बीच में हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आप इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। उसके लिए आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में डेट मंथ ईयर भरना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करें। तो लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले काउंसलिंग राउंड वन, इसके बाद व्यू रिजल्ट, रीप्रिंट एग्जाम और लॉगआउट एग्जिट। यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन फॉर्म फॉर्मेट भी है। तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग राउंड वन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो आपको जो है डिटेल्स फिल करनी है। काउंसलिंग राउंड वन पे आ जाएंगे, यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, रोल नंबर होगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसका स्टेटस आ जाएगा, फीस जो जमा करनी है उसका स्टेटस आ जाएगा, चॉइस सीट का इसका आ जाएगा। तो लास्ट में एक्शन में आप क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसमें आपको जो है स्टेटस सेलेक्ट करना है, डोमोसाइल आपको सेलेक्ट करनी है और सारी उसके बाद जो है 10-12 की मार्कशीट अपलोड करनी है और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद जो है रजिस्टर के लिए आपको जो है फीस जमा करनी होगी। तो ये इस तरह से प्रोसेस होगा, जो आप लोग कर लें। और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।